शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर लगातार पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद में भी तंजीम रजाए मुस्तफा के सदस्यों ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। देखें न्यूज जंक्शन की रिपोर्ट। ज्ञापन है आपके माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, कि ऐसे एक कठोर कानून बनाया जाए जो किसी भी आराध्य के गलत टिप्पणी करे तो उसको कम से कम संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाए, गैर जमानती और उसे जेल में। सर सिर्फ एक यही रास्ता इधर है, अगर कठोर कानून बन जाए तो किसी में जरूरत ही नहीं होगी। जो बन जाएगा इधर देखो जमी बनेगा इंशाल्लाह, वो हिसाब है कि वो हम कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं चर्चा नहीं होता। हमारा ज्ञापन है, पढ़ लेता हूँ। ये 300 ज्ञापन ये है हमारा कि भारत जो है विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है, यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो हम राष्ट्रपति साहब से ये गुजारिश करते हैं कि ऐसा कठोर कानून बनाया जाए जिससे कोई भी किसी भी मजहब का आदमी किसी दूसरे मजहब के आराध्य पर टिप्पणी गलत ना करे, जिससे दूसरों की भावनाएं आ, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है कि जो ट्रेंड चल रहा है कि बस किसी को गलत बोलो किसी का आराध्य को मशहूर हो जाओ। रात हो रहा भाई, प्रोटेस्ट ये है, सभी को पता है सारे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि एक भाजपा की जो पूर्व प्रवक्ता थी नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल, उन्होंने मोहम्मद साहब के ताल्लुक से बहुत गलत टिप्पणी की जिससे मुसलमानों की भावनाओं को आहत हुई है, भावनाएं आहत हुई हैं बहुत ज़्यादा। और हम जो है अपना एक मेमोरेंडम ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को DM साहब के माध्यम से देने को आए हैं। उसमें हमारी इतनी मांग है कि एक ऐसा कठोर कानून बनाया जाए इस काम के लिए, क्योंकि विभिन्न धर्म के लोग यहाँ रहते हैं अलग अलग धर्मों के, और ये ट्रेंड बन गया है कि नेता बनना है अगर किसी को मशहूर होना है तो दूसरे धर्म के आराध्य को बुरा कह दो, फिर लोग आ जाते हैं, प्रोटेस्ट होता है, वो रातों रात मशहूर हो जाता है। और उसके लिए कोई ऐसा कानून अभी भारतीय दंड विधि संहिता में नहीं है कि ऐसा बयान करने वाले को, भावनाएं आहत करने वालों को ऐसी सज़ा हो, या ऐसा कानून हो कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता हो, गैर जमानती हो, हल्की हल्की धाराएं हैं अभी। तो हमारा ये मांग है DM साहब के माध्यम से, जो हमने ज्ञापन दिया है, SSP साहब के माध्यम से भी हमने ज्ञापन दिया है कि कम से कम एक ऐसा कानून बनाया जाए भारतीय संसद में कि अगर कोई किसी धर्म के आराध्य के विषय में गलत बात कहता है तो उसके लिए ऐसा कानून बने कि उसे तुरंत जेल भेजने की और गैर जमानती धाराओं में जेल भेजने की बात हो। और हमारा दूसरा सूत्र ये था इसमें कि नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और जो बहुत बड़ी हिंसा का कारण बन रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने का, कम से कम भावनाओं को देखते हुए गिरफ्तार करा जाए। और तीसरा ये है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है बिना जाँच के, बिना किसी बात के सीधा बुलडोजर चला दिया, तो पहले कम से कम जाँच हो, एक IO बने, जाँच अधिकारी अगर दो सिद्ध करे तब बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये यातनापूर्ण कार्रवाई जो हो रही है द्वेष की भावना से हो रही है, वर्ग विशेष के खिलाफ हो रही है। तो इन सारी कार्यवाही को ख़त्म किया जाए, जो बेकसूरों को पकड़ा गया उन्हें छोड़ा जाए, और बेकसूरों को जो घरों से पुलिस उठा के ला रही है उनके जांच में अगर वो सिद्ध होते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो, वरना ये बुलडोजर और ये कार्यवाही तुरंत रोकी जाए। इससे जो है पहले ही भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हैं, उसको मैं जिक्र नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में लोग कुछ भी बोल देते हैं, इससे तुरंत बंद होना चाहिए और ये कार्यवाही बंद होनी चाहिए। बुलडोजर का तो इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए जब तक आदमी दो सिद्ध ना हो जाए। इसी चीज़ को लेकर हमने ज्ञापन दिया हुआ है।